बेबी कल वैलेंटाइन डे है ना? हाँ तो? तो क्या फिर कल मुझे प्रपोज कर रहे हो ना? अरे बेबी, ये प्रपोज वपोज क्या होता है, साथ में ही तो है, हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, ये प्रपोज वपोज है ना, बहुत बैगेज। एक मिनट सुनिए आप, 2 साल से हम लोग ऐसे ही साथ में घूमते फिरते, लेकिन जब कमिटमेंट का बात आता है तो आप यही बोलते हैं कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, ऐसे मेरे को ऐसे नहीं रहना है, मेरे को कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए। अभी क्या है ना कि देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। अभी आप भी नहीं चाहोगे कि हम भाग जाएं आपसे, आप नहीं चाहते आपको, हम खुश तो रखते हैं ना बहुत, तो हम ऐसे क्यों नहीं रह सकते, मतलब नहीं ऐसे रह सकते हैं। आजकल के जनरेशन को, आजकल के लड़की को क्या हो गया यार से आप लोग क्यों भागते हो? लैला मजनू को देखो, हीर रांझे को देखो, क्या प्यार करते यार, खुले में प्यार करते हो, और आप लोगों को प्यार के टाइम माय बाप करियर सब कुछ प्यार के टाइम ही आप लोगों को याद आता है। देखो लैला मजनू, उनके टाइम पे ना इतनी कॉम्पिटिशन नहीं थी, अभी इतना अचीव करना होता है, लोग इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, बहुत पैसे कमाने होते हैं। यार मैं एम्बिशियस हूँ, मैं कुछ अचीव करना, मुंडी हूँ, पहले आप मेरा मजनू है। गुस्सा मत करो ना, ऐसे मत करो प्लीज, छुआ मत मेरे को, डोंट टच मी, मेरे को नहीं। अब जब आप मेरे को कमिटमेंट कीजिएगा तभी आप हमको छू सकते हैं, तभी हाथ पकड़ सकते हैं, तभी चुम्मा लीजिएगा, तभी कुछ, पहले कमिटमेंट कीजिए कि मेरे से प्यार करते हैं आप। दो तीन महीने